मेरा नाम अभिषेक है। एक बहुत अच्छी अपडेट है कि अब मध्य प्रदेश सरकार ने 5% महंगाई भत्ता या महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया है। बाय द वे, जो DNS अलाउंसेस इंक्रीज करने का और DNS रिलीफ जो इंक्रीज करने का निर्णय लिया है वो लिया है मध्य प्रदेश के उन पेंशनर्स के लिए जिन पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन की धारा 49 लागू होती है, तो जिसमें छत्तीसगढ़ की सहमति ज़रूरी होती है। तो बाय द वे, उनका DNS अलाउंसेस 17% से बढ़ के 22% हो जाएगा। हम सभी को पता है कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं अब बाद द स्टेट्स, उनसे कहीं ना कहीं कम पेंशनर्स को मिल रहा है पेंशन इस वक्त। तो बाय द वे 22% DNS अलाउंसेस हो जाएगा और छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं एंड एज वेल एज दोनों स्टेट्स के जो पेंशनर्स हैं जिनमें धारा 49 की धारा लागू होती है पुनर्गठन मध्य प्रदेश की, तो उनका महंगाई भत्ता या महंगाई राहत आप बोल सकते हैं 22% हो जाएगा। बाद में देखिएगा, आज 28 जुलाई है, कल 29 जुलाई रहेगा और कल AICPN इंडेक्स आ जाएगा, आंकड़ा जो रहेगा आ जाएगा और कल पता चल जाएगा कि आखिर महंगाई भत्ता आपका कितना बढ़ने वाला है एग्जैक्टली। अभी तक 3.6 यूनिट परसेंटेज आप बोल सकते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है। अगर जितना भी इंक्रीज होता है, जो जून का आंकड़ा रहेगा जून 2022 का, वो कल पता चल जाएगा, तो मैं कल वीडियो आपके सामने लाऊंगा। बाद में देखिएगा, ये जो 5% DNS रिलीफ जो बढ़ने का खबर चल रही है, तो इससे जो पेंशनर्स हैं वो खफा हैं, बोल रहे हैं कि हम एरियर्स की भी उम्मीद कर रहे हैं और बाय द वे हमें भी जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं उनके समान चाहिए एंड एज वेल एज इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिएगा दोस्तों, होता क्या है, अभी सरकार अगर 5% बढ़ाने का निर्णय अगर ली है तो कुछ दिन बाद, कुछ चंद दिन में आप देखेंगे कि ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा, तो तब अगर यहाँ के पेंशनर्स को अगर 22% DNS रिलीफ मिलेगा तो उस टाइम तक, क्योंकि कुछ महीने में आप देख पाएंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे जो DNS अलाउंसेस रहेगा, DA रहेगा, वो कहीं ना कहीं 38% के आसपास पहुँच गया होगा। कल ये बात फाइनलाइज हो जाएगा। दोस्तों, आप समझिएगा, धन्यवाद।